यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन की उड़ी नींद। पुतिन को सता रहा अपनी हत्या का डर। डर के सताए पुतिन ने अपने 1000 निजी स्टाफ को निकाला। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानो रातों की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि पुतिन ने कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन से युद्ध करना उन्हें भारी पड़ सकता है। पुतिन ने भले ही ये युद्ध नाटो के विस्तार और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद से नाराज होकर किया हो, लेकिन ये युद्ध अब उनके लिए ही जान की आफत बन चुका है। पुतिन जो पूरी दुनिया में कभी दहशत के चेहरे के रूप में अपना खौफ बनाए हुए थे, वो आज खुद डर के साए में जी रहे हैं। युद्ध के बाद पुतिन को लगने लगा है कि कोई उनकी हत्या कर देगा। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की पहली गलती थी। पुतिन ने युद्ध से पहले सोचा था कि वो 2 से 3 दिन में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन युद्ध में लगातार रूस को काफी हानि का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियारों की मदद मिल रही है, जिसके कारण रूस को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं इस नुकसान के साथ साथ अब पुतिन को अपनी जान जाने का भी डर लगने लगा है। पुतिन पहले से ही अपने परिवार को सीक्रेट बंकर में छिपा चुके हैं ताकि उन पर कोई आंच ना आ सके। वहीं बताया जा रहा है कि जैसे जैसे युद्ध खिंचता जा रहा है, पुतिन का डर भी बढ़ता जा रहा है। पुतिन का खौफ इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। पूरी दुनिया को डरा कर रखने वाला आज खुद डर के साए में जी रहा है। पुतिन के डर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन की ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी हत्या कर सकता है। क्या यूक्रेन उनकी हत्या की साजिश रच रहा है, या फिर पुतिन के दुश्मन ही इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? हम देंगे इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। रूस की सेना नहीं कर पा रही है यूक्रेन पर कब्जा। रूस को हो रहा भारी नुकसान। यूक्रेन के इस रवैये के कारण पुतिन को सताने लगा है हत्या का डर। दोस्तों, पिछले 26 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, और अभी तक यूक्रेनी राजधानी कीव ज़ेलेंस्की सरकार के नियंत्रण में है। वहीं यूक्रेन ने 5 रूसी जनरल और हजारों की संख्या में सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे रूस में रोष व्याप्त हो गया है। इसे लेकर एक फ्रांसीसी एजेंट ने दावा किया है कि जल्द ही क्रेमलिन के भीतरी लोग तख्ता पलटकर पुतिन को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसका एक तरीका ही नजर आ रहा है, रूसी राष्ट्रपति की हत्या। यानी कि पुतिन को मौत के घाट उतार यूक्रेन जैसी मुसीबत से पीछा छुड़ाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सांसद लिंडसे ग्राहम ने भी रूस के राष्ट्रपति की हत्या किए जाने की बात कही है। ग्राहम ने इस महीने की शुरुआत में पुतिन की तुलना एडोल्फ हिटलर से की थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि कोई इस व्यक्ति को निपटा दे, यानी कि रूस के राष्ट्रपति की हत्या कर दे। वहीं लिंडसे ग्राहम ने यह भी कहा है कि पुतिन की हत्या किसी विदेशी सरकार द्वारा नहीं कराई जाएगी, इसकी साजिश क्रेमलिन के भीतर ही की जाएगी, क्योंकि रूसी खुफिया विभाग ही एक ऐसी संस्थान है जो लोगों को की हत्या के लिए उन्हें जहर देता है। वहीं आज के जो हालात हैं उसके बाद यही संकेत मिल रहे हैं कि शायद पुतिन की हत्या हो सकती है। वहीं जहर दिए जाने की घटनाओं को पहले क्रेमलिन से जोड़कर देखा जाता था। क्रेमलिन के आलोचकों को नर्व एजेंट नोवचिक दिया जाता था। पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नेवल्नी को अगस्त 2020 में नोवचिक दिया गया था, लेकिन इलाज मिलने की वजह से वो जीवित बच गए थे। हालांकि वर्तमान में वो रूस के एक जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि नेवल्नी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे रूस ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई ऐसे शख्स रहे हैं जिन्हें जहर देकर हत्या को अंजाम दिया गया है। पहले भी रूस में हो चुकी है ऐसी हत्याएं, जहर देकर की जाती हैं हत्याएं। रूस में विरोधियों को जहर देने का लंबा इतिहास रहा है। रूस के द्वारा कराई गई ये रहस्यमय घटनाएं अक्सर रहस्य ही रहती हैं। आज हम जानेंगे कि रूस के सीक्रेट सर्विस के उन 2 एजेंटों के बारे में जिनकी जहर देकर हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी हत्या हमेशा की तरह रहस्य बनकर ही रह गई। इसमें एक थे अलेक्जेंडर लिथविनेंको, जिन्हें रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210 जहर के जरिए मार दिया गया था। लिथविनेंको की हत्या साल 2006 में हुई थी। लिथविनेंको को एक तरह का धीमा जहर दिया गया था। इस दुर्लभ जहर की पहचान करने में ही कई सप्ताह लग गए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अल्फा पार्टिकल रेडिएशन निकलता है और गीगर काउंटर से इसकी पहचान नहीं हो सकती थी। ब्रिटेन में जब इसकी जांच हुई तो 2 संदिग्ध जासूसों का नाम आया था, लेकिन इससे पहले वो शक के दायरे में आते ये देश छोड़कर निकल चुके थे। ब्रिटेन का कहना था कि लिथविनेंको की जान रूस के 2 खुफिया जासूसों ने ली थी। पोलोनियम 210 जहर ने लिथविनेंको को पीड़ादायक मौत दी थी। रूस ने जिस दूसरे जासूस की हत्या कराई थी वो थे सर्गेई स्क्रिपल, जो कभी रूसी सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल हुआ करते थे।
लेकिन एक रूसी एजेंट होने के बाद सरगेई स्क्रिप्टल जिस बात के लिए चर्चा में आए वो जासूसी और गद्दारी। सरगेई स्क्रिप्टल को साल 2006 में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2010 में स्क्रिप्टल को जासूसों की अदला बदली के तहत ब्रिटेन में शरण मिली थी। 2018 में भी ये भी रूस की जहर देकर हत्या करने की नीति के तहत बलि चढ़ गए थे। लेकिन इन दोनों घटनाओं के लिए रूस ने अपनी भूमिका से इनकार कर दिया था। वहीं एक रूस की खोजी पत्रकार और पुतिन की आलोचक एनो पोलितकोत्स्वकाया की साल 2006 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दावा किया जाता है कि उन्हें भी साल 2004 में एक उड़ान के दौरान जहर दिया गया था। रूस की इसी प्रणाली में एलेक्सी नेवल्नी का नाम भी जुड़ा हुआ है। नेवल्नी रूस के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार विरोधी और विपक्षी कार्यकर्ता है। वो रूस की सरकार की काफी आलोचना करते हैं। बताया जाता है कि वो रूस की सत्ता के लिए एक कांटे की तरह हैं। नेवल्नी ने रूस में बहुत दुश्मन बना लिए थे। नेवल्नी ने पुतिन के यूनाइटेड रूस पार्टी को चोरों और बेईमानों की पार्टी बताते रहे हैं। बताया जाता है कि 2020 में नेवल्नी को विमान यात्रा के दौरान कथित रूप से जहर देकर मारने की कोशिश की गई। नेवल्नी ने जर्मनी में अपना इलाज कराया था, लेकिन जैसे वो इलाज करवा कर अपने देश लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे पुतिन विरोधी प्रदर्शनों में बाढ़ सी आ गई थी। वहां वही नेवल्नी को लेकर डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें कौन सा जहर दिया गया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कई टेस्टों से पता चला है कि नेवल्नी के शरीर में कोलीन स्ट्रीज एंजाइम मिला है। ये सैन्य स्तर के नर्व एजेंट सरीन VX या फिर और भी जहरीले नोविचोक एजेंट का प्रभाव हो सकता है। ये जहर दिमाग के मांसपेशियों के लिए रासायनिक सिग्नलों में गड़बड़ी करके शरीर में ऐंठन पैदा करता है, जिससे सांस टूटने लगती है, दिल की धड़कन गिरने लगती है। नेवल्नी की प्रवक्ता ने शक जाहिर किया है कि उन्हें ये जहर टोम्स्क एयरपोर्ट पर ब्लैक टी के उस कप में दिया गया होगा जो उन्होंने फ्लाइट में सवार होने से कुछ देर पहले एक कैफे में पी थी। ब्रिटेन के शीर्ष रसायन हथियार और जहर विशेषज्ञ प्रोफेसर एलिस्टियर हे का कहना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की लंबी सूची में नर्व एजेंट सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। जहरीले पदार्थों की लंबी सूची नर्व एजेंट के सटीक पहचान को मुश्किल बना देती है। कुछ हल्के जहर वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इस्तेमाल कीटनाशकों और मेडिकल थेरेपी में भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी की जान लेने के लिए बहुत मामूली डोज ही बहुत होती है। इसे आसानी से छिपाकर ड्रिंक में दिया जा सकता है। वहीं इसके कई और फायदे भी हैं। प्रोफेसर हे कहते हैं, ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता कि एजेंट क्या था। इसका पता लगाने के लिए और जटिल टेस्ट करने होते हैं, जिसमें बहुत महंगे उपकरण लगते हैं। बहुत से अस्पतालों के लैब में ये सुविधा नहीं होती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़ना पड़ा है। इन लोगों ने पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोव जैसे मुल्कों में शरण ले रखी है। दूसरी ओर युद्ध में रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अभी तक यूक्रेन संघ जंग में रूस के टॉप 5 जनरल मारे गए हैं। यूक्रेन ने रूस की 8वीं संयुक्त सशस्त्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रेई मोर्दवेचेव को मार गिराया है। ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साथ ही रूस को भी काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि अगर पुतिन की हत्या की जाती है तो उन्हें भी यही जहर देकर मारने की कोशिश की जाएगी। रूसी सरकार को अपने दुश्मनों के खिलाफ जहर का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है।